चैलेंजर्स बेंगलुरु की धमाकेदार जीत के बाद बदला आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस को मिली बड़ी खुशखबरी। अब ये टीमें पहुंचेगी फाइनल चार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 18 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पॉइंट टेबल में बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आईपीएल 2022 के 18वें मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए। साथ ही हम जानेंगे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग के टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम और आपका फेवरेट प्लेयर यहाँ पर नंबर 1 बने, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 16 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 151 रनों की शानदार पारी खेली और इस 151 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मात्र 18.3 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर 152 रनों की शानदार स्कोर खड़ा किया और इसी स्कोर के साथ अभी ये टीम ने मुंबई इंडियंस की टीम को पीछे छोड़कर शानदार जीत दर्ज करी। और इसी ऐतिहासिक जीत के बाद अब आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट टेबल के बारे में, जहाँ पर आखिरी पायदान पर फिलहाल पॉइंट टेबल में पहुँच चुकी है अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले, 4 ही मुकाबले ये टीम हार चुकी है और फिलहाल इनकी नेट 100 है, -1.211 के साथ ये नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 9 पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले, 4 ही मुकाबले हारे और इनकी नेट 100 है, -1.181 के साथ ये नंबर 9 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 8 पर मौजूद है सनराइज़ हैदराबाद की टीम, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 2 मुकाबले हारे हैं और इनकी नेट 100 है, -0.889 और 2 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 8 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 7 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 2 मुकाबले हारे और इनकी नेट 100 है, फिलहाल -0.116 और 2 अंकों के साथ ये नंबर 7 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 6 पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे और इनकी नेट 100 है, +0.152 और 4 अंकों के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 6 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 5 पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है और इनकी नेट 100 है, +1.218 के साथ ये टीम नंबर 5 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 4 पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है और इनकी नेट 100 है, +0.256 और 6 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 4 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 3 पर पहुंच चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है और इनकी नेट 100 है, +0.294 और 6 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 3 पर पहुँच चुकी है। तो वहीं पर पॉइंट टेबल में फिलहाल नंबर 2 पर चल रही है गुजरात टाइटन्स की टीम, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेले, 3 ही मुकाबले जीते और इनकी नेट 100 है, +0.349 और 6 अंकों के साथ फिलहाल ये नंबर 2 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 1 टीम चल रही है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है और इनकी नेट 100 है, +1.102 और 6 अंकों के साथ फिलहाल ये नंबर 1 पर चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर टॉप में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, तो वहीं पर सबसे अंत में यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। वहीं दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग की रेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें ऑरेंज कैप के टॉप 5 बल्लेबाजों की, तो यहाँ पर नंबर 1 चल रहे हैं जोस बटलर, जिनके 205 रन है। तो वहीं पर नंबर 2 पर मौजूद है सुमन गिल, जिनके 180 रन है। तो नंबर 3 पर लियाम लिविंगस्टोन है, इनके 162 रन है। तो नंबर 4 पर यहाँ पर ईशान किशन मौजूद है, जिनके 150 रन है। तो वहीं पर नंबर 5 पर क्विंटन डिकोगे, इनके 149 रन है।
यानी कि यहाँ पर ऑरेंज कैप के टॉप 5 बल्लेबाजों में नंबर 1 चल रहे हैं जोस बटलर, वहीं पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर 1 चल रहे हैं उमेश यादव जिनके 9 विकेट है, तो वहीं पर नंबर 2 पर युजवेंद्र चहल इनके 7 विकेट है, तो नंबर 3 पर राहुल चेर इनके भी 7 विकेट है, तो नंबर 4 पर आवेश खान इनके भी 7 विकेट है, तो नंबर 5 पर कुलदीप यादव है इनके 6 विकेट है। वहीं दोस्तों यहाँ पर सिक्सर किंग की रेस में नंबर 5 पर मौजूद है भानुका राजबक्से जिनके 8 छक्के हैं, तो नंबर 4 पर संजू सैमसन इनके 9 छक्के हैं, तो वहीं पर नंबर 3 पर लियाम लिविंगस्टोन इनके 12 छक्के हैं, तो नंबर 2 पर आंद्रे रसल इनके भी 12 छक्के हैं, तो वहीं पर सिक्सर किंग की रेस में फिलहाल नंबर 1 चल रहे हैं जोस बटलर जिनके 14 छक्के, यानी कि सिक्सर किंग की रेस में नंबर 1 जोस बटलर, पर्पल कैप फिलहाल उमेश यादव के सर पर है, तो वहीं पर ऑरेंज कैप यहाँ पर जोस बटलर के सर पर है, और वहीं पर पॉइंट टेबल में फिलहाल नंबर 1 चल रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर यहाँ पर नंबर 1 बन पाएगा, हमें अपने विचार कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।